न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। पूरे देश में लॉकडाउन होने के बाद कई जिलों से घर लौट रहे हैं मजदूर। हाल ही में कोटा में पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ सख्त। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थित फील्ड स्टाफ व पूरी टीम घर घर जाकर बाहर से आने वालों के स्कैनिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग का फील्ड स्टाफ घर घर जाकर सर्वे कर रहा है। बाहर से आए मजदूरों को घर पर ही 28 दिनों के लिए आइसोलेट कर मकान के बाहर रिपोर्ट चस्पा किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण व परिजन उनसे दूर रहें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्थित महिला फील्ड स्टाफ व आशा सहयोगनियों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करवाया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मॉनिटरिंग कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी जा रही है। समझाइश के तौर पे तो हम ये कर रहे हैं, इनको बार बार ये कह रहे हैं घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। पहली बात तो ये, यदि बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम ये समझाते हैं कि 28 दिन तक वो घर में रहे, आइसोलेट करने के लिए कहते हैं। उस पर डे उसकी निगरानी करते हैं, यदि उसको खांसी जुकाम बुखार होता है तो तुरंत हमारे उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देते हैं। डेली आइसोलेशन के लिए क्या आप किस प्रकार मकान पे चस्पा करते हैं? हाँ, क्या उसके लिए हम ये करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति जो बाहर से आया है उसका घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उसको इस चीज़ के लिए शपथ दिलाते हैं कि आपको 28 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने आसपास वालों को भी अफेक्टेड नहीं करना है, घर वालों से भी दूरी बना के रखना है, अपने आप को होम आइसोलेट रखना है आपको। इसका प्रमाण किस प्रकार से? प्रमाण इस तरह से किया जाता है, एक नोटिस लगाया जाता है उस व्यक्ति का, ताकि आसपास के लोग घर पे, हाँ उसके घर पे, ताकि उनको भी पता रहे कि ये बाहर से आया है और इससे दूरी बनानी है और वो भी उनसे दूरी बनाए रखे। ये चस्पा भी करते हैं, डेली की रिपोर्ट भी देते हैं और इनसे शपथ पत्र भी। मतलब आप फील्ड स्टाफ में पूरी मेहनत करके इसी धूप में डोर टू डोर डेली घूम रहे हैं? जी सर, हम हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने गांव-गांव में घर घर जाके लोगों को यही समझाते हैं, कोरोना से डरे नहीं, लड़े। इसमें सिर्फ आपको इतना सा हमारा साथ देना है कि घरों से बाहर नहीं निकलना है, कोई दूरी बना के रहें, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें, 1 मीटर की दूरी के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को समझा रखा है हमने। जैसे घर घर जा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं घर में रहो, है ना, और जिसके भी खांसी जुकाम है उनको लिख रहे हैं, उनको दवाई दे रहे हैं, और खांसते छींकते समय रुमाल रखो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो, और जो भी बाहर से आ रहा है ना तो उनके फॉर्म भर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं भाई आइसोलेट होम आइसोलेट करो, जैसे घर में रहो, किसी से मिलना जुलना नहीं, और अगर खांसी जुकाम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखा रहा है बूंदी, है ना, और जैसे ही क्या हमसे डेली का सर्वे कर रहे हैं, हमको 50 घर 40 घर डेली सर्वे हो जाता है हमारा। तो ऐसी कड़क धूप में आप जिस प्रकार से फील्ड में जा रहे हैं, तो बाहर से आने वाले कितने सदस्य आपको मिल रहे हैं, उनके लिए आप घर पे किस प्रकार चस्पा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे बाहर से आने वाले को फॉर्म, पहले तो उनका फॉर्म भरते, पहले तो उनको समझाते हैं कि भाई जहाँ तक हो सके घर में रहना है आपको, और आप घर में रहोगे तो खुद भी स्वस्थ रहोगे और घर वाले को भी स्वस्थ रहोगे, कम से कम आपके लिए नहीं तो इनके लिए तो आप घर में ही रहो, है ना, और खांस अगर खांसी जुकाम हो तो नाक पे, ये नाक पे मुंह पे रुमाल रख के खांसो छींको, और हर जगह थूकना नहीं है, और उनके नोटिस, उनके बाहर नोटिस चिपकाते हैं घर के बाहर कि भाई 14 दिन तक आप 28 दिन तक क्वारंटाइन, पहले तो 14 दिन तक आता, आप 28 दिन के दिए, 28 दिन तक है ना आप घर में ही रहो, 28 दिन तक आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है, और खांसते छींकते समय रुमाल रखना है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप घर घर जाके पूरे गांव में समझा रहे हैं? घर घर जाके, पूरे गांव में घर घर जाके, बल्कि दोबारा डबल रिपीट हो गया हमारा तो घर घर जाके। बाहर से आने वालों को सबसे पहले तो हम ये समझाते हैं कि आपको एक तो सभी के बीच में बाहर नहीं निकलना है, घर में भी आपको आइसोलेट रखना है, मतलब घर में भी घर के सदस्यों से दूरी बना के रखनी है, खांसते छींकते वक्त रुमाल रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और बार बार साबुन से हाथ धोना है, और उनके जो बाहर से आए उनके घर के बाहर हम एक नोटिस चस्पा करते हैं जिसमें डेट डाली हुई है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इनको आइसोलेट किया गया है, और जो बाहर जो इनके मोहल्ले के जो लोग हैं उनको भी हम समझाते हैं कि ये लोग बाहर से आए तो आप इनसे दूरी बना के रखें, ये लोग बाहर निकले तो इनसे दूरी बना के रखें। तो आपके इस दोलाड़ा सेंटर में अभी तक बाहर से कितने सदस्य आए हैं? अभी तक आज की डेट तक हमारे 62 सदस्य हैं जो बाहर से आए हैं। तो डेली इनका आइसोलेट ऐसी धूप में आप किस प्रकार करते हैं? हाँ, स्क्रीनिंग करते हैं डेली, हमारे आशा सहयोगनी, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हम पूरी टीम लेके चलते हैं, तो जो बाहर से आए हैं उनकी डेली हम उनको उनसे जाके मिलते हैं, उनको समझाते हैं, पूछते हैं उनसे कहीं बाहर तो नहीं निकले ना, कोई इनके कोई ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है ना,
तो मतलब पूरी आप ऐसी धूप हो चाहे किसी आप सुबह शाम। ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हमारा काम है, हमें करना है। ये तो एक कोरोना इतनी महामारी फैली हुई है, इसमें अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर आम लोग क्या करेगा। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।